एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी के सदर विधायक योगेश वर्मा ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और आशीष मिश्रा के पास सभी सबूत हैं, एक एक फोटो एक एक वीडियो है, जिससे वो जांच में बेगुनाह साबित हो जाएंगे। देखिए, जो भी कानून और अपनी जो सरकार जो भी जिस तरीके से चाहेगी उस तरीके से पूरा उचित न्याय करेगी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में, और जो किसानों के भेष में छुपे हुए जो उपद्रवी थे उनको चिन्हित करके सरकार बिल्कुल पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगी। आशीष मिश्रा पेश हो, आप लोग पास सबूत किस तरह के सबूत हैं? पूरे टोटल सबूत हैं उनके पास में, शुरू से लेकर आखिर तक उनके पास में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उनके पास में, और लगातार निरंतर जिन जिन लोगों ने फोटो खींचे उनके मोबाइल से ही हम लोगों ने जमा किए हैं, और जितने भी एविडेंस हो सकते थे जो जिस कैमरे से फोटो खींचे गए वो फोटो हम लोगों ने कैमरा जमा किया है, एक एक चीज हर पल की हर सेकंड की फोटो हम लोगों ने। और आईएएस पर अपडेट्स ले लेते हैं। लखीमपुर के पुलिस लाइन से हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं, साथ ही जैनेन्द्र कुमार भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ पंकज झा जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट्स हम लेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं जैनेन्द्र कुमार से। जैनेन्द्र, लगभग 2 घंटे हो गए हैं पूछताछ के, अंदर से कोई खबर मिली है क्या? नहीं, देखिए, अंदर से छन करके कुछ भी बाहर नहीं आया है जिया, लेकिन इस तरीके के मामलों में पुलिस के पास सवालों का एक ब्यौरा होता है, सवालों की एक लिस्ट होती है, और उसमें पूरा घटनाक्रम उनसे पूछा जाता है, आरोपी से कि घटना के वक्त में आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, जो आरोप लग रहे हैं वो सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है, और उस पर आरोपी क्या कह रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या साक्ष्य हैं, तो तमाम सवाल जवाब और फिर काउंटर सवाल किए जाते हैं। वो प्रक्रिया बीते तकरीबन 2 घंटे से जो है वो चल रही है आशीष मिश्रा की। 10:30 के आसपास आशीष मिश्रा पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां पर कि क्राइम ब्रांच दफ्तर में एसआईटी की टीम पहले से उनका इंतजार कर रही थी। आशीष मिश्रा के साथ उनका वकील भी है, और बीते 2-2.5 घंटे से आशीष मिश्रा के साथ सवालों और जवाबों का जो सिलसिला एसआईटी का वो जारी है। इंतजार इस बात का है कि क्या पुलिस आशीष मिश्रा के जवाबों से संतुष्ट होती है, या फिर पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने की बुनियाद मिलती है, और इसके बाद पुलिस क्या फैसला लेती है, क्या आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल लखीमपुर खीरी के पुलिस लाइन में जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है उसके बाहर इसी सवाल का इंतजार किया जा रहा है, इस सवाल के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। पुलिस लाइन से ही संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कह सकते हैं स्वाभाविक सी बात है सवालों की लिस्ट लंबी है, समय लगेगा। बिल्कुल जिया, 32 सवालों की लिस्ट है, और उसमें जैसे मान लीजिए एक सवाल पूछा गया कि घटना के वक्त आप कहाँ थे, सवाल तो बहुत छोटा है लेकिन जवाब होता है लंबा, कई लाइनों का जवाब होता है, पूरा ब्यौरा आदमी देता है कि वो उस वक्त कहाँ था, कैसे क्या कर रहा था, उसके साथ साथ कौन थे, गवाही के लिए अपना पक्ष मजबूत करने के लिए 4 जानकारियां और उसमें जोड़ता है, तो एक एक सवाल का जो जवाब है वो काफ़ी लंबा होता है, उसमें वक्त लगता है। 2.25 घंटा हो चुका है पूछताछ में, जो ठीक आप मेरे पीछे क्राइम ब्रांच का दफ्तर देख रही हैं, यहाँ आशीष मिश्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है, और उनके साथ उनके वकील भी हैं, सदर के विधायक भी हैं, एक अन्य शख्स भी कोई उनके साथ मौजूद है जिनको सांसद प्रतिनिधि बताया जा रहा है, तो इन 4 लोगों की मौजूदगी में सवाल जवाबों का सिलसिला चल रहा है। 2.25 घंटा हो चुका है, अभी ये कोई नहीं बता पा रहा कि वक्त कितना और लगेगा, लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है भीतर से कि कुछ वीडियो कुछ फोटोग्राफ्स आशीष ने दिए हैं एसआईटी की टीम को। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।